रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के शेयरों में आज 18 मई को करीब 4% की तेजी देखी गई। इस समय ये स्टॉक BSE पर 3.06% की बढ़त के साथ 299.65 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। ये लगातार पांचवा दिन है जब कंपनी के शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। इन 5 दिनों में RVNL के शेयरों में 17% की दमदार रैली आ चुकी है। दरअसल कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे जारी किए हैं। यही वजह है कि कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी हो रही है। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 62,477 करोड़ रुपए पर आ गया। सरकारी रेलवे कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 33.2% बढ़कर 478.6 करोड़ रुपए हो गया है। तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 17.4% बढ़कर 6,714 करोड़ रुपए हो गया। RVNL का EBITDA Q4 वित्त वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 21.8% बढ़कर 456.4 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 374.6 करोड़ रुपए था। मार्च तिमाही में EBITDA मार्जिन 6.8% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 6.6% था। RVNL के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पर 2.11 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की भी सिफारिश की है, जो आगामी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। डिविडेंड का भुगतान EGM में इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। पिछले एक महीने में RVNL के शेयरों में 15% से अधिक की तेजी आ चुकी है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 81% का तगड़ा रिटर्न दे चुका है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 64% भाग चुके हैं। पिछले एक साल में इसके निवेशकों को 147% तक का शानदार मुनाफा हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में स्टॉक ने 1600% का बंपर मुनाफा कराया।